प्रकाश देखने वाले तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव और होने जा रहे हैं विधानसभा के, और ये दोनों राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन दोनों राज्यों में सभी राजनीतिक पार्टी अपनी दांव पेच खेल रही है, और सभी पार्टियों ने अपने योद्धाओं को कह दिया कि अपनी कमर कस लें, और उन सब की जो वोटिंग होगी 20 फरवरी को होगी, जो इसमें कौन बाजी मारेगा ये 10 मार्च को पता चलेगा। अब सबसे बड़ी बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जैसे हमें पता कि उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान की राजनीति का एक धुरा कहा जाता है, और यहाँ और जो यहाँ पर पार्टी प्रदर्शन अच्छा करती है उसको हम ये आंक लेते हैं कि लोकसभा के अंदर उसकी मैक्सिमम सीटें आएंगी, और उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। अब पंजाब की जो स्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर जो पार्टी है उसको हम एनालाइज करेंगे पार्टी वाइज। पहले हम कांग्रेस की बात करेंगे। जैसे आप सबको पता कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, और कुछ महीनों पहले जैसे आप सबने देखा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरह का समीकरण बना, किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी, और उसके बाद कांग्रेस ने एक दलित कार्ड खेलते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया चरणजीत सिंह चन्नी को, और उसके बाद जो जैसे हम कहते हैं कि बड़ा वृक्ष जो हिलता है उसके साथ बहुत कुछ चीजें हिल जाती हैं। हाँ, और उसके बाद हम देखें कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चुप होकर नहीं बैठे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत की, और उसके बाद उन्होंने अपनी एक संगठन बनाया, और उस संगठन को लेकर जैसे आप सबको पता है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर उन्होंने अपना समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, और जैसे ही उन्होंने समझौता किया उनके साथ जो उनके जो वफादार थे उन्होंने भी धीरे धीरे पार्टी छोड़नी शुरू कर दी। ये स्वाभाविक होता है इलेक्शनों के अंदर कि एक दल से दूसरी दल की तरफ, दूसरी दल से तीसरी दल की तरफ नेताएं अक्सर जाते रहते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे जो ये समीकरण बना इसको हम ध्यान से देखें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल में सरदार सुखदेव सिंह ढींगसारी, जो अकाली दल के अंदर भी फूट देखने को मिली, सरदार सुखदेव सिंह ढींगसा ने अपना अलग दल बना लिया, और यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी और सुखदेव सिंह ढींगसा जी की पार्टी ने गठबंधन किया, और उनकी टिकटों के अंदर जो उनकी बातचीत चल रही है समीकरण बने वो एक दो दिन में फाइनल हो जाएंगे, जनता के बीच में पता चल जाएगा। और इससे अब इस समीकरण को देखा जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी को एक सिख चेहरे की जरूरत थी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पूरा कर दिया। और उसके बाद अब हम बात करेंगे जो एंटी इनकम्पेसी वोट है अकाली दल की, वो सुखदेव सिंह ढींडसा जी भी कोशिश करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा अपने खेमे में लेकर आ सके। अब इस कहानी के अंदर हम बात करेंगे अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी। अकाली दल बादल ने और बहुजन समाज पार्टी ने जैसे आपको पता है कि अपना समझौता किया इलेक्शन में, और जो दलित वोट बैंक है मेन नजर सबकी द्वाबा रीजन पर होगी, क्योंकि द्वाबा रीजन के अंदर बहुत जो दलित वोट बैंक एक बहुल्य तौर पर पाया जाता है और वहां पर होते हैं, सबकी निगाह उसके ऊपर है। और जैसे ही अकाली दल और बसपा ने समझौता किया तो कांग्रेस ने इस बात को भांप लिया। उन्होंने उससे पहले ही जैसे समझौता हुआ, हम उन दिनों की बात करेंगे, उसके एक दो महीने बाद ही अपना मुख्यमंत्री चेंज करके दलित चेहरा आगे लेकर आए, और उन्होंने कहा कि हमारा जो मुख्यमंत्री दलित चेहरे वाला होगा, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने सरदार चरणजीत सिंह चन्नी पर विश्वास दिलाया। और अकाली दल और बसपा ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार मैदान में खड़े कर दिए, उतार दिए, और इस बात का उनको ये फायदा हो सकता है क्योंकि उनको टाइम मिल गया। अब आप बात करेंगे आम आदमी पार्टी और किसान मोर्चा। आम आदमी पार्टी, जैसे आपको पता है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया नगर निगम चुनाव चंडीगढ़ के अंदर, इससे उनके हौसले बुलंद है, और केजरीवाल जी ने अपने पंजाब में आकर सबसे पहले अपनी पार्टी का सीएम कैंडिडेट भगवंत सिंह मान जी के पर विश्वास दिलाया, उन्होंने घोषित कर दिया। और इधर जो अब बात कर रहे थे किसान मोर्चा, जैसे आपको पता है कि किसान आंदोलन चल रहा था उसमें, जो कि ये काफी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन जो किसान है उन्होंने भी अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। ये पंजाब की स्थिति है, और जो स्थिति को देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर कैसे कैसे समीकरण बदलेंगे,
क्योंकि जब ये तब हम बता सकेंगे कि एग्जैक्ट मिशन क्या है जब सभी अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे। फिलहाल कोई वेव हम ये नहीं कह सकते किसी भी पार्टी की है, सभी अपने हम कह सकते हैं स्थिति के अंदर सभी ने अपने शतरंज में शतरंज के अंदर अपने सभी मोहरे खड़े कर दिए हैं और फ्यूचर के अंदर हमें पता चलेगा कि किसकी वेब क्या आ रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि कुछ दिन पहले श्री परशुराम इंटरनेशनल ने अपना लखनऊ में अधिवेशन किया और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया। इससे भी बहुत बड़ा एक ब्राह्मण वोट है जो नाराज चल रहा था बीजेपी का, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और उसके बाद हम बात करें फिर पंजाब में आते हैं, क्योंकि पंजाब में जैसे आपको पता है कि सरकारें अब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और जो चुनाव आयोग है वो भी पैनी दृष्टि लगाकर बैठा है कि उनका भी मकसद है कि चुनाव निष्पक्ष तौर पर हो सके। और लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जैसे आपको पता कि अर्थ प्रकाश टीम हमेशा ग्राउंड लेवल की रिपोर्टें दिखाती आई है इलेक्शनों में, तो जिस इन इलेक्शनों में भी हम ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।